हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने फुलनेस के एक और टाइप्स के बारे में बात की थी, जो था हमारा प्लीट्स। ऐसे हमने तीन टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं कि किस तरीके से आप किसी भी गार्मेंट की फिटिंग दे सकते हैं, उसमें उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर फुलनेस दे सकते हैं। तो हमने प्लीट्स के जैसे डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के थ्रू उस गारमेंट्स में फुलनेस दे सकते हैं और उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसी तरीके से हमने टक्स के बारे में बात की थी और डार्ट्स के बारे में। तो आज हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है आपके गैदर्स। गैदर्स का यूज भी एक तरीके से प्लीट्स के तौर पे किया जाता है, लेकिन प्लीट्स में क्या होता है कि आपके फैब्रिक को उठा करके फिर प्लीट्स दी जाती है, लेकिन गैदर्स में क्या होता है कि मशीन या फिर हाथ से आप टाका करके और उसको खींच लेते हैं, तो जैसे वो कपड़ा खट्टा हो जाता है तो वो एक फुलनेस देता है, तो उसको हम गैदर्स का नाम देते हैं। तो आज हम इसी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसको कैसे किया जाता है इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। यहाँ पर गैदर्स की डेफिनेशन दी हुई है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई दिया कि गैदर्स जो होता है वो आपके किसी भी गारमेंट में फुलनेस देने के लिए और उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए दिया जाता है। अब जो ये गैदर्स होते हैं ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो स्लीव पे कर सकते हैं, नेक पार्ट में, स्कर्ट्स में, अगर कोई भी वेस्ट एरिया में भी आप फुलनेस देनी है तो आप वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि गैदर्स जो होता है वो आपके डेकोरेटिव किसी भी गारमेंट में इफेक्ट देने के लिए या फुलनेस देने के लिए उस एरिया पर किया जाता है जहाँ पर आप चाहते हैं। जैसे अगर आप कमर पे चाहते हैं तो वहां पर भी आप इसको इफेक्ट दे सकते हैं, चाहे तो आप इसकी स्टाइल को चेंज करके और डेकोरेटिव तौर पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। जो गैदर्स होता है वो आपके दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और बहुत ही सॉफ्टली होता है, तो ये भी आपका फुलनेस को एक तरीके से प्रोवाइड करता है। ये आपके हैंड और मशीन दोनों के स्टिचेस द्वारा तैयार किया जा सकता है। ये किसी भी फैब्रिक में सॉफ्टनेस और ड्रेपरी इफेक्ट देने के लिए फैब्रिक पर एक स्टिच की जाती है जिसको खींच करके इसे तैयार किया जाता है। अब जो इसके अंदर फुलनेस होती है वो आपके राउंड वेस्ट पर कर सकते हैं, योग लाइन पर, लाइन वेस्ट लाइन पे भी कर सकते हैं, नेक लाइन पे कर सकते हैं और अपर और लोअर स्लीव पे भी कर सकते हैं। जैसे जो आपका आर्म होल साइड होता है वहां से भी कर सकते हैं और बॉटम एरिया पे भी इसका यूज आसानी से आप कर सकते हैं। तो जो इसका टेक्सचर होता है वो आपके बहुत ज्यादा फुलनेस का इफेक्ट देता है। जब भी आप गैदर्स का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो भी फैब्रिक होगा वो एक तरीके से कड़क कड़क सा शो होगा और जो उसकी फुलनेस आती है वो ज्यादा आती है। इनफैक्ट आपके जो प्लीट्स होता है या फिर आप दूसरा कोई भी यूज करते हैं उससे ज्यादा फुलनेस की इफेक्ट आपके गैदर्स में शो होती है। तो इसका यूज करके आप कोई भी ड्रेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही इजी हो जाता है कि आपको बस एक स्टिच करनी होती है, चाहे आप मशीन से करिए चाहे हैंड से करिए, और उसके बाद आप कच्चा टका करके और उसको धागे को एक सिरे को खींच लिया जाता है, तो जैसे ही आपका कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो वो आपका गैदर्स का लुक दे देता है। उसी तरीके से गैदर्स को करने के दो मेथड्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताई दिया कि हैंड गैदर्स और मशीन गैदर्स दोनों के थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी शो हो रहा है कि हैंड गैदर्स में आप सिर्फ 5 नंबर का टांका किया गया और उसके बाद उस थ्रेड को खींच लेते हैं तो ये आपके इकट्ठा हो जाएगा, तो ये आपका गैदर्स का लुक देगा। और मशीन में भी सेम यही होता है कि आप या तो फुट का यूज करके भी तैयार कर सकते हैं कि गैदर्स की एक फुट आती है जिसका मशीन में यूज करके आप ऑटोमेटिकली गैदर्स शो कर सकते हैं, नहीं तो आप 5 नंबर का टांका करके मशीन का जो भी स्टिच है उसको बढ़ाकर और उसके थ्रेड को खींच करके भी आप इसके अंदर एक गैदर्स का लुक दे सकते हैं। ये जो दोनों मेथड्स है ये दोनों ही इजी हो जाते हैं। अगर आपको किसी छोटे गारमेंट्स में गैदर्स करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, गैदर्स का भी, और अगर आप बड़े गारमेंट्स में ज्यादा फुलनेस देना चाहते हैं तो आप मशीन का यूज करके ही बना सकते हैं। जैसे उसके अंदर फुट चेंज कर दे तो वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप इसके अंदर धागे को एक सिरे को खींचते हैं तो ये होना चाहिए कि बीच में से कहीं से भी धागा टूटना नहीं चाहिए, वरना आपका गैदर्स बीच में से खराब हो जाएगा। तो जो भी धागा यूज करे वो हमेशा मजबूत होना चाहिए जिससे अगर आप खींचे तो उसके अंदर कोई भी इफेक्ट ना पड़े और वो बीच में से ना। तो इन दो मेथड्स के थ्रू आप आसानी से गैदरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दे रखा है कि हैंड गैदर्स में क्या होता है कि आपके जब भी रनिंग स्टिच करते हैं तो उसके अंदर दो रो बनाई जाती है जो आपके लेंथ वाइज चलती है और 0.25 सेंटीमीटर लेंथ में उसको पूरा किया जाता है। और किसी भी छोटे फैब्रिक पर या फिर किसी भी छोटे स्पेस पर फुलनेस देनी होती है तो क्या करते हैं,
एक साइड तो लंबा स्टिच करते हैं और एक साइड स्मॉल स्टिच करके और उसे राइट साइड से पूरा किया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है वो एक तरीके से पूरा आपका मशीन के ही तरीके से किया जाता है, जैसे मशीन गैदर्स होता है सेम वही प्रोसेस होता है। बस इसके अंदर ये है कि आप वहाँ पे मशीन का यूज किया जाता है और यहाँ पर जो भी टांके यूज किए गए हैं वो आपके हैंडमेड होते हैं, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। आप किसी भी छोटे स्पेस में भी अगर गैदर्स देना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका मशीन गैदर्स। जो मशीन गैदर्स होता है वो आपके बहुत ही इजी तरीका होता है कि बहुत जल्दी भी तैयार हो जाता है। गैदर्स करने का एक बहुत ही इजी मेथड होता है और इसके अंदर ज्यादा मतलब नॉलेज की जरूरत नहीं होती आपके। इसके अंदर जो भी होता है स्टिचेस होती है वो आपके मशीन से ही होती है, इसके आपको ज्यादा प्रैक्टिस की या फिर किसी उसकी जरूरत, बस आपको स्टिचिंग आनी चाहिए। ये जो होता है आपके जो फुलनेस होती है उसको इवनली करता है, क्योंकि जब भी आप थ्रेड को खींचेंगे तो क्या होता है कि कहीं से कम और कहीं से ज्यादा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम मशीन में नहीं आती है। ये आपके इक्वल रहते हैं, जितना भी आपको गैदर्स चाहिए उस अकॉर्डिंग उतनी ही फोल्डिंग की जाती है मशीन, अगर आप मशीन स्टिचिंग से करते हैं तो। जो हमारी मशीन का नीडल थ्रेड टेंशन डिवाइस होता है उसके अंदर आपके लूजनेस और जो जितनी भी हमको स्टिचेस चाहिए होती है, जितना भी आपको उसकी लूजनेस चाहिए होती है या फिर जितना भी गैप चाहिए होता है, तो उसके थ्रू आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं और हल्का सा बॉबिन के अंदर भी लूजनेस दे सकते हैं, ताकि जब भी आपका जो थ्रेड है वो लूज रहेगा तो आप जब भी उसकी स्टिच खींचेंगे या फिर गैदर्स देना चाहेंगे तो वो इजी हो जाता है गैदर्स देने के लिए। जब भी हम कोई हैवी फैब्रिक पर गैदर्स देना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे, जो स्टिचेस होंगे वो आगे लेंथ वाइज बड़े होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या, जब भी आप थ्रेड को पुलिंग करते मतलब जब भी खींचते हैं तो उससे क्या थ्रेड टूटता नहीं है, इसलिए क्या इनके जो टांके होते हैं वो बड़े रखे जाते हैं। जो भी क्लोजली वोवन फैब्रिक्स होते हैं जनरली उनकी जो लेंथ होती है स्टिचिंग की वो ज्यादा रखी जाती है और उनके अंदर जो प्रेशर होता है वो कम करके तैयार किया जाता है, क्योंकि वो वैसे ही हैवी होते हैं, तो अगर आप स्टिचेस करेंगे तो बड़े रखें जिससे क्या उसको खींचने में और या फिर उनको इकट्ठा करने में इजी हो जाता है। जब भी मशीन में वो इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं तो मोटा फैब्रिक हो जाता है, उससे क्या होता है कि आपके नीडल्स टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हमेशा उसका प्रेशर कम करना चाहिए और धीरे धीरे उसको तैयार करना चाहिए। मशीन गैदर्स से जब भी हम गैदरिंग करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी हो जाता है और जो भी आपके गैदर्स होते हैं उसके अंदर जो प्लीट्स आती है वो आपके इक्वल रहती है, तो इसलिए ये करना बहुत ही इजी हो जाता है और इसमें टाइम भी बहुत ही कम लगता है। गैदर्स का यूज करके आप किसी भी गारमेंट में फुलनेस दे सकते हैं और उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, चाहे कोई भी फैब्रिक हो उसके अंदर आप गैदर्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज होती है कि गैदर्स कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जिनपे गैदर्स का जो लुक होता है वो अच्छा नहीं आता, तो ये चीज का भी ध्यान रख के आप इसे तैयार कर सकते हैं, तो इसे बनाना भी बहुत ईजी हो जाता है और इसके अंदर टाइम बहुत ही कम लगता है। आई होप जो आज का वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी फुलनेस के कई टाइप्स के बारे में पढ़ा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फुलनेस से ही रिलेटेड है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम फुलनेस के ही कुछ अलग टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और फैशन से रिलेटेड आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम और नए टॉपिक लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।